धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग वजहों से सुर्खियों में थे, लेकिन अब सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और इसी को लेकर के वो इस वक्त सबसे ज्यादा विवादों में। आपने देखा कि उनको जान से मारने की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं सीपीआई के नेता हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। राजकुमार शास्त्री जी, कल तक बाबा कष्ट निवारण बताते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, अचानक धीरेन्द्र शास्त्री को क्या हुआ कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे? देखिए, आज वह समय आ गया है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक हैं और हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है पूरी दुनिया में। भारत एक ऐसा है जिसको हिंदू राष्ट्र की घोषणा बहुत दिनों से, आज से नहीं है, बहुत दिनों से सरकार से मांग चल रही है कि कम से कम एक देश ऐसा हो जिसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और वही बात जो सारे देश की जनता, क्योंकि राजकुमार शास्त्री जी यही कोई ये बयान दे दे कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे तो आप कहेंगे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। इस्लामिक तो पहले 57 देश हो चुके हैं, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। कोई तो ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहां पर हिंदुओं को गर्व से हिंदू कह सके कि हम हिंदू राष्ट्र के निवासी हैं। अगर अब बाबा, आपको मालूम है कि बाबा सबके दिल की बात को रंगरेज साहब जान लेते हैं। रंगरेज साहब, क्या आपको आपत्ति है कि अगर कोई स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अगर अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाए, जो कि बागेश्वर धाम में कई ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार हिंदू धर्म अपना है, आपको इससे आपत्ति है क्या? देखिए, अगर कोई यही बात, अगर कोई हिंदू अगर मुसलमान बन जाता तो ये पूरा मुद्दा बन जाता और सारी सुर्खियां बटोरता वो सारे टीवी चैनल पर। ये आज मुसलमान अगर हिंदू हो जाता तो देखिए किसे। मैं ये कह रहा हूँ जो इन्होंने कहा है बाबा ने कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात की है, इन्होंने संविधान का अपमान किया है, देश के कानून का अपमान किया, इन्होंने पूरे 130 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। ये देश सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा, मगर ये छोटे छोटे चिंटू बाबा के नाम पर जो आ रहे हैं लोग नए नए, अपना जो है अपने आप को पब्लिक सिटी कराने के लिए के ऐसे बयानबाजी करते हैं। बाबा ये नहीं है, ये अंतर्यामी बाबा है, सब कुछ बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। सब ये तंत्र मंत्र का जो मामला है ना, ये सब फेक है और झूठा और फ्रेब का काम चल रहा है। ये लोगों को भ्रमित करने का काम चल रहा है। मैं बीच में बोलना चाह रहा हूँ, देखो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को, अगर कोई PFI को जब बैन कर दिया गया है, PFI ने बहुत बड़ी विद्या है कि हम 1947 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो कहते हैं बहुत बड़ी विद्या है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, यदि कोई हिंदू इस बात को कहता है तो कार्रवाई कर रहा है, ना भी देखे अंधविश्वास है, मगर उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात करी, सभी लोग ठीक है आपस में बहस मत कीजिए, आपस में बहस मत कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। राजकुमार शास्त्री जी और अंग्रेज जी हमारे साथ, देखिए हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं और शुभम गुप्ता भी बागेश्वर धाम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, लेकिन आप जरा ये बताइए कि इस धमकी के बाद वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है और पुलिस की सुरक्षा का एक मसला और दूसरा इस मुद्दे को जिसे एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की गई है, उठाने की कोशिश की गई है, इसका कितना असर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा? देखिए समीर, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की चर्चा इस वक्त बागेश्वर धाम में है, लेकिन पहली बार टेलीविजन कैमरे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो दिव्य धाम देखिए जिसकी गूंज आज की तारीख में पूरे देश में है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये चमत्कार है, क्या ऐसी कोई दिव्य शक्ति है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जिसकी बदौलत वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। और इसी को देखने के लिए देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों की कतार सड़कों से भरी हुई है और पूरे 5-7 किलोमीटर का जो रेडियस है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। ये तब है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी अपने धाम में नहीं पहुंचे हैं। पहले उस मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता आपको दिखाता हूं, लोगों से बात करवाता हूं और आपको माहौल दिखाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल यहां पर माहौल क्या है। एक छोटे से टीले पर जो सन्यासी बाबा हुआ करते थे, एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन आज की तारीख में इतनी बड़ी पूरे छतरपुर के आर्थिक अर्थव्यवस्था को संभालने वाला ये मंदिर बन चुका है और यहाँ आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। और पहले रंग देखिए, रंग दिखाऊंगा आपको, लोगों से बात कराऊंगा और आप देखिए आस्था
कितनी ज्यादा है। तीन तरह के नारियल यहां आपको बंधे हुए नजर आएंगे। सबसे पहले कोई भी मनोकामना हो वो आप लाल कपड़े में नारियल बांधकर यहां टांग दीजिए तो मान्यता ऐसी है, पीपल के पेड़ से लेकर यहां के रेलिंग्स में बांध दीजिए तो आपकी मान्यता पूरी हो जाती है। दूसरा जो दूसरा नारियल है वो आपको पीले रंग के कपड़े में नजर आएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी को लेकर कोई मुराद है वो यहाँ से पूरी होगी। और पेट बाधा है तो काले कपड़े में। और इस तरह नारियलों की ये कतार यहाँ से देखिए, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे नजर आएगी। और ये पूरा रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। कुछ लोग हैं जो श्रद्धालु हैं और इस वक्त मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनसे बात करें कहां से आए हैं आप लोग, क्या सोच कर आए, कितनी ज्यादा मान्यता है। सर कटनी जिला से आए हैं। हाँ YouTube में देखते रहे। हाँ उनको बहुत अच्छा काम है, ईश्वर की कृपा रही। हाँ कोई मुराद ऐसी थी जो आप लोगों ने मांगी हो और यहाँ आने पर पूरी हो गई हो? अभी पहली बार आए हैं। पहली बार आप लोग आ रहे हैं। कितनी ज्यादा मान्यता है यहाँ के बारे में, क्या क्या सुना है आप लोगों ने? बाबा से कभी मुलाकात हुई आप लोगों की? अभी नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। अच्छा, लेकिन भीड़ कितनी ज्यादा है ये बताइए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बागेश्वर बाबा की बहुत कृपा है। बोलिए बागेश्वर बाबा की जय। जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? कटनी से आए हैं। क्या बाबा से मिलने की तमन्ना है कि नहीं है? हाँ। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, विश्वास है आप लोगों को? विश्वास है? कितना ज्यादा विश्वास है? अब आप देखिए, इसके अलावा अब थोड़ा कैमरा में पैन करूंगा, ये जो रास्ता देखिए जा रहा है, ये पूरा रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। और मंदिर पर जाने के लिए भीड़ देखिए लोगों की इतने ज्यादा है, सुरक्षा के इंतजाम है। और इसके बाद अब तस्वीर उस दिव्य धाम की जहां बाबा बैठकर अर्जी लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं का निवारण करते हैं, वो दिखाने की कोशिश करता हूं। इन अर्जी लगाने वाले नारियल की तस्वीरें आप देखते चलिए, और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं उस दिव्य धाम की भी आपको टेलीविजन पर पहली बार तस्वीर दिखाऊंगा, जिसको देखने के लिए, जहां बैठने के लिए, जहां बाबा से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। और आप देखिए ट्रकों में यहाँ अर्जियां लोग लगा रख के जाते हैं, ये नारियल ट्रकों में भर कर जाते हैं लाखों की तादाद में। मंगलवार और शनिवार वो दिन है जहां पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, किस तरह से लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और अब उसके बाद अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ उस दिव्य धाम की, जहां बैठकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की अर्जियां सुनते हैं और अपनी अर्जी लगाने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो सबसे पहले उस बिल्डिंग की तस्वीर देखिए, कितनी छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन आज की तारीख में जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें 50,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं और बाबा वहीं से लोगों को उठाते हैं, बुलाते हैं। सबसे पहले ठीक है विपिन, ये लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपके पास वापस आएंगे। बागेश्वर धाम से ही हमारे एक और सहयोगी शुभम गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। शुभम, अभी तक तो बाबा के चमत्कार की बात हो रही थी, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, अब ये पूरा मामला जो है वो पॉलिटिकल भी हो जाएगा, क्योंकि कई राजनेताओं ने बयान भी दे दिया है, एक नई बहस छिड़ गई है बाबा के इस बयान के बाद से। देखिए बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अभी तक तो ये सारी बातचीत तंत्र मंत्र अंधविश्वास को लेकर चल रही थी, बाबा साबित कर रहे थे कि उनके पास किस तरह की दिव्य शक्ति है, मगर अब मुद्दा पॉलिटिकल हो चुका है। तस्वीरें हम आपको बाबा के उस दिव्य दरबार की भी दिखाएंगे, क्योंकि जहां से ये पूरा की पूरा दरबार चलता है और वहाँ आपको लिए चलते हैं, चूँकि ये वो जगह है जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लंबे वक्त से, खास तौर पर 2015-16 के बाद से अगर देखेंगे तो यहीं से दिव्य दरबार चलाते हैं। ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं उस दिव्य दरबार की, और ये वो गद्दी है जहां पर खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठीक बैठते हैं। ठीक है शुभम, शुभम मैं आता हूं आपके पास वापस। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, नेता है CPI के। विवेक जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आज हम सब जानते हैं 24 जनवरी है, यानी वो दिन जब 1950 में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तमाम सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे पहली बार, और उसके बाद 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, जिसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तमन्ना की गई है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जिक्र है। ये जो हिंदू राष्ट्र जिसका बार बार जिक्र होता है, अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, अब ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, ये सब ये सारी चीजें एक श्रृंखला की हैं,
ये आज आप भीड़ दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा भीड़ आसाराम बापू के आश्रम में कोई कहता था 9 करोड़ फॉलोवर है, कोई कहता था 13 करोड़ फॉलोवर है। राम रहीम को जब अरेस्ट किया जा रहा था तो गुड़गांव पंचकुला चंडीगढ़ उस तरह पंचकुला चंडीगढ़ का सारा एरिया लाखों लोगों ने उसके फॉलोअर्स ने जाम कर दिया था फिर उनको। तो ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनका अध्यात्म से, प्रेम से, हनुमान से जी से कोई लेना देना नहीं है। ही इज द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ बीजेपी, ये बीजेपी के नए पोस्टर बॉय है। और शंकराचार्य जी, माननीय शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, इससे फाइनली ये जो कुछ कर रहे हैं इससे सनातन धर्म को एक बुरी छवि ही मिलेगी। यानी विवेक जी आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप जब कहते हैं एक पोस्टर बॉय है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सामने एक चेहरा है, पीछे एजेंडा कुछ और है और वो पॉलिटिकल एजेंडा है। जी जब तक आसाराम बापू भारतीय जनता पार्टी के और उनके फॉलोअर समर्थन देते रहे थे उस समय की सरकार को, तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाते थे, झूला झूलते थे, गाना गाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेज पर चढ़ के नृत्य करते थे उसी आसाराम बापू के साथ। और जब पॉलिटिकल फॉल आउट हो गया ठीक है, आप देखिए सारे स्कैंडल के बाद एक सामने आ गए, आज कौन गारंटी लेगा धीरेन्द्र शास्त्री? ठीक है विवेक जी, आप कई सवाल उठा रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद राजकुमार शास्त्री कुछ पूछना भी चाह रहे, कुछ कहना भी चाह रहे, लेकिन राजकुमार शास्त्री आ रही हूँ आपके पास, विवेक जी आ रही हूँ आपके पास। शास्त्री जी, बाबा चमत्कार की बातें कर रहे थे, लोगों की समस्याएं दूर करने की बातें कर रहे थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबा जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं उन्हें इस तरीके का बयान देने की जरूरत थी, क्योंकि अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं? देखिए विवेक जी का प्रारंभ से इनका स्वभाव रहा है मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और कोई व्यक्ति कुछ बोलता है इनका ये स्वभाव रहता है कि उस मुद्दे को जो है राजनीति के साथ में जोड़ दिया जाए। बाबा जो बागेश्वर सरकार हैं इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक का प्रत्येक कर्तव्य है कि वह सनातन की रक्षा करे। सनातन की रक्षा के लिए यदि वह कोई काम कर रहे हैं, संविधान भी ये कहता है कि आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है, संविधान आजादी देता नहीं, है। लेकिन संविधान में ही तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। शास्त्री जी, शास्त्री जी, मारने की धमकी दी जा रही है। अगर यहाँ कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसको जान से मारने की धमकी। यही तो हम जानना चाह रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी आपसे कि किस तरह का हिंदू राष्ट्र आप चाह रहे हैं, और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है सेकुलर राष्ट्र में, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है? नहीं देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि एक कम से कम अपना घर हो, अपना मकान हो। तो ये देश आपका घर नहीं है, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से पूरे देश के हिंदू चाह रहे हैं, पूरे दुनिया में जो हिंदू रह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में रह रहे हैं, वो चाह रहे हैं एक देश ऐसा हो जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाए, इसकी पहचान हो हिंदू राष्ट्र की। देखो महाभारत में भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को यही समझाते हैं कि तुम पांडवों को कम से कम 5 मकान दे दो। क्या उनको रहने की कमी थी? हस्तिनापुर में रह सकते थे, लेकिन ये अपना है। तो क्या एक अपना रंगरेज भाई, भाव होता तो रंगरेज भाई, क्या यहाँ पर रंगरेज भाई, तो क्या ये कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही है? नहीं है, कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही है। देखिए देखिए मैं कह रहा हूँ, ये बाबा जो है ये पॉलिटिकल बाबा हैं और ये नए नए अवतार हुआ है इनका, ये जो कर रहे हैं ना और जो इनके दिल में है इनका पीछे से ना सपोर्ट दी जाए, एक करके आरएसएस बीएचपी बजरंग दल बागेश्वर सरकार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है ना, वो कभी राजनीति की कोई बात करते हैं ना वो कोई चुनाव की बात करते हैं। अरे भाई शास्त्री जी एक एक करके बोलिए ना, शास्त्री जी ये कोई राजनीति नहीं है, ये अपना अधिकार है, 2 करोड़ हिंदू हर व्यक्ति को अपना अधिकार मांगना चाहिए। हर भगवान इस्लामिक संतामन देश है, ऐसे लोग जो है कि इस्लामिक संतामन देश क्यों है? चिंटू अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है तो पब्लिक सिटी चाहते हैं कि पब्लिक सिटी चाहकर पूरे देश की जनता हिंदू राष्ट्र चाहती है। अभी आपने देश विदेश पूरे दुनिया में फैले हुए हिंदू सनातनी ऐसे तो आसाराम के आगे भी आती थी हमारे ऐसा ना कि आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात क्लियर ही नहीं हो पाएगी। हिंदू राष्ट्र एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके जल्दी। मैं आपके बीच में बोल रहा शास्त्री जी, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? ये अपनी आइडेंटिटी है, क्या हो गया आपको? अपना पहचान मांगना कोई बुराई नहीं है, यही वाला बोलने का मौका मिलेगा शास्त्री जी और रंगरेज साहब दोनों को बोलने का मौका मिलेगा। यही वाला करके हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रही है, तुम जो करो वो सही है सब और करे तो गलत। रुक जाइए एक मिनट, शांति रखिए, आ रहे हैं सर आपके पास, आ रहे हैं शास्त्री जी, लौट रहे हैं आपके पास। देखिए इंद्रेश कुमार आरएसएस के नेता है, उनके बयान का जिक्र करना भी जरूरी है जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। बाबा के विरोधियों को इंद्रेश कुमार ने देश विरोधी बताया है, बाबा के विरोधी सद्भाव संविधान विकास विरोधी हैं, साथ ही वो कहते हैं कि देश के अंदर नफरत फैलाना बंद करें। सुनाएंगे आपको इंद्रेश कुमार का बयान।
उन पर नाजायज ये टिप्पणियाँ करना यह मानवता विरोधी है, वैश्विकता विरोधी है, संविधान विरोधी है, भारत विरोधी है, सद्भाव विरोधी है। यह इतना ही नहीं है और एक किस्म से इस देश के विकास का भी विरोध करना है। ठीक है, अभी रंगरेज साहब जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन राजकुमार शास्त्री जी ये बताइए, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अलग अलग तरह की थ्योरीज नहीं आ रही हैं सामने? आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ये कहा कि भाई इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। अब बाबा कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये जरा आप अगर समझा सकें, और उसके बाद रंगरेज जी आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे। देखिए, बड़ा स्पष्ट रूप से मैं आपको कह देता हूँ कि हर व्यक्ति की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। नहीं, ये बात तो आप कह चुके हैं, पहचान होती है। हाँ, नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भागवत जी ने जो थ्योरी दी उससे अलग थ्योरी दे रहे हैं ना फिर ये बागेश्वर बाबा? मोहन भागवत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, उनकी बात को समझने की जरूरत है। उनका कहना है कि इस देश में रहने वाले चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू, सब पहले हिंदू थे, कन्वर्टेड हो चुके हैं, उनको अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सब हिंदू हैं। वह बटे हुए जो दिखाई पड़ रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है। अच्छा, और आपसी लड़ाइयां चल रही हैं, ये सब जो है विरोधाभास को हटा करके ये समझ रही, जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू हिंदू हैं, और उनकी पहचान भारत से है, उनकी पहचान हिंदुस्तान से है। यहाँ पर जो व्यक्ति रह रहा है अगर अमेरिका में जाएगा वो ये नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। सारे बटे हुए हिंदू हैं और सभी बटे हुए हिंदुओं को एकजुट करने का जिम्मा मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो भी सभी हिंदू का रुख करूंगा, हिंदू की संतान है, बटे हुए हिंदुओं को एकजुट करना है। इंद्रेश कुमार के बयान पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, अगर वो सपोर्ट में उतर आए हैं वीरेंद्र शास्त्री के, इसके क्या मायने? देखिए, दो चीजें मैं इसमें आपको बोलूंगा। सबसे पहले, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस इस मुल्क का रहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हैं, आप जिन्होंने बड़ी सेवा भी करी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई संत समाज के खिलाफ है या हिंदू दर्शन शास्त्र के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो राम रहीम और आसाराम जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या इंद्रेश कुमार जी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद गारंटी ले रहा है दैट ऑल इज वेल इन द आश्रम ऑफ वीरेंद्र शास्त्री? कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई हादसा नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है, कौन लेगा गारंटी? तो आप लाखों लोगों को नेशनल टीवी पे आकर के आरएसएस के प्लेटफॉर्म से मोटिवेट तो कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं विवेक जी, लेकिन आप आसाराम से और बाबा राम रहीम से बार बार मिला रहे हैं, यहाँ पर हमें एक फर्क भी तो देखना होगा ना। बागेश्वर धाम के बाबा के खिलाफ किसी तरह के क्रिमिनल चार्जेस अभी तक सामने नहीं आए। भाई वो तो कितने सालों तक, ये तो पत्रकार थे आपने नोएडा फिल्म सिटी के ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने एक्सपोज कर दिया, और वो इस देश के पत्रकारों को सलाम। विवेक जी, आप अपने अपने स्वभाव अपने स्वभाव से आपका ये स्वभाव है, अपने स्वभाव को आप ठीक करिए, अपनी सोच को ठीक करिए। विवेक जी, आपकी सोच मुझे बहुत दिनों से मालूम है, आपकी सोच है, आप हमेशा ही संप्रदाय विरोधी देश विरोधी बातें कहते रहते हैं। शास्त्री जी, अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए। शास्त्री जी, इस तरह से तमगे मत दीजिए, सब अपनी अपनी सोच जाहिर कर सकते हैं, आजाद मुल्क है, आजाद सोच है। जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं वैसे ही विवेक जी भी अपनी बात रख रहे हैं, अंग्रेज जी भी अपनी बात रख रहे हैं। विवेक जी की सोच देश विरोधी है। आप चुप रहिए थोड़ी देर। विवेक जी की सोच देश विरोधी है। आ रहे स्टूडियो में आएंगे आपके पास। देखिए, हमारे सहयोगी विपिन चौबे आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जो कि बागेश्वर धाम में ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, आप लगातार बागेश्वर बाबा के कथावाचक जो भी सम्मेलन हो रहा है उसमें आप जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, और लोगों की जो गहरी आस्था है, श्रद्धा है उनके प्रति, उसके बारे में भी कई बातें आपने दिखाई हैं लोगों से बातचीत करके। इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि अब लगातार बाबा के चमत्कार से मामला आगे बढ़ के अब हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर के विवाद बढ़ गया है, जरा आप बताएंगे कि आखिर अपने कथा के दौरान किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने यह बयान दिया था जिसको लेकर के अब बाबा पे सवाल खड़े हो रहे हैं? ये तक कहा जा रहा है कि बाबा तो बस एक मुखौटा है, पीछे कुछ और है जो बुलवा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। देखिए, इसके पीछे सच्चाई क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल जब रायपुर के पंडाल में बाबा ने घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्होंने भारत को यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आज इस मौके पर मैं यह ऐलान करता हूं कि तुम मेरा समर्थन करो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार बागेश्वर धाम है कहां, कहां से वो बाबा निकले, कहां से यहां तक पहुंचे, और आज पूरी दुनिया में अगर चर्चा है तो वो दिव्य धाम कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं।
इस गेट से आप एंटर होंगे और सीधे आपको दिव्य धाम के दर्शन करवाएंगे। और आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहीं बैठकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो तमाम चमत्कार करते हैं जिसकी चर्चा आज की तारीख में पूरी दुनिया में है कि क्या आस्था और अविश्वास अंधविश्वास के बीच में एक बारीक सी लाइन है, कौन सी है वो लाइन। सबसे पहले उस दिव्य धाम के दर्शन और उस गद्दी के दर्शन करिए, यहीं पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं, यहां उनका खड़ाव रखा गया है और ये वो सोफा है जहां वो बैठते हैं और पीछे भगवान श्री राम की मूर्ति, इधर सन्यासी बाबा जिनके वो शिष्य हैं, जिनकी साधना करके उन्होंने ये शक्ति हासिल की है और ये वो गद्दी है, यहीं पर लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए और यहां पर बैठकर वो सब कुछ दिखाते हैं, वो चमत्कार जिसकी तस्वीरें अब तक आपने यूट्यूब चैनल्स में और चैनल्स पर वीडियोस में देखा है। यहीं बैठकर वो सारे चमत्कार होते हैं और इसी गद्दी पर बैठकर वो ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप कहां से आए, आपके मन में क्या है, क्या सवाल है, उसका जवाब क्या होगा और कैसे आपकी समस्या का निराकरण होगा, वो तमाम चीजें बाबा यहीं से बैठकर दिखाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। और हमारे साथ रंगरेज साहब भी मौजूद हैं। रंगरेज साहब देखिए, पिछले दिनों मोहन भागवत ने भी ये बयान दिया हिंदू राष्ट्र को लेकर और उन्होंने जोड़ने की कोशिश भी की, उन्होंने कहा कि सबका डीएनए एक है, मस्जिदों और मदरसों के दौरे पर भी वो निकले। आपको क्या नजर आता है, मतलब कोशिश क्या है, क्या वाकई इस थ्योरी को आगे रखकर भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हुए आपको राजनेता और तमाम सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं या फिर कुछ और नजर आ रहा है? देखिए ये एक पूरा एजेंडा है और मैं आपको ये अभी आपके आपके चैनल पर ही सामने आ गया कि कैसे जो अभी जो आरएसएस के चीफ जो अभी थे, क्या नाम उनका, इंद्रेश कुमार जी ने बताया कि वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। तो जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं करेगा यूएपीए के तहत, अगर यही बात अगर कोई मुसलमान कह देता कि ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा तो आज वो कहां होता, ये आपको और हमको सबको मालूम है। और क्या हुआ पीएफआई का, पीएफआई ने भी ऐसे ही वादा किया था। लेकिन रंगरेज साहब यहां ये बात भी तो याद रखिए ना कि जबरन ये नहीं होगा, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार ही किया जा सकता है, ये भी तो याद रखिए ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बीएचपी बजरंग दल और आरएसएस की पहले से सोच, देश आजाद होने से पहले से ही इनके दिमाग में हिंदू राष्ट्र की थ्योरी थी और ये करते आए उसी चीज को। और अभी तक 9 साल, अच्छा ये बताइए 9 साल भाजपा को सरकार में हो गए, बना दीजिए हिंदू राष्ट्र, कौन मना कर रहा है, कौन रोक रहा है, करिए बनाइए, मगर ये बनाएंगे नहीं, इसे चुनाव में बुलाएंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं आपके बीच में बोलता हूं। और ये आप इस प्रकार की भाषा बोलेंगे संघ के बारे में, बाबा हैं ये, आप संघ को पहचानते हैं, आप कभी संघ में गए और ये बताइए जब आप संघ के बारे में कुछ जानते नहीं है, आरएसएस क्या है, खराब करने का काम कर रही है, वो संस्था है जब भी सरकार में देश में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है, सबसे पहले कोई रेल दुर्घटना घट जाए, जहाज दुर्घटना घट जाए, वहाँ पुलिस से पहले वहाँ पर आरएसएस के लोग होते हैं, वो एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति का निर्माण करती है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे होगी, संघ का काम है व्यक्ति का निर्माण करना, मिलेगी राजनीतिक संस्था नहीं है। आप संघ के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, आप संघ के बारे में जानते कुछ नहीं है, बाबा की बात आप कुछ कौन सा साथ जाइए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई चमत्कारिक आदमी हैं, संत हैं, तो जोशीमठ की दरारों को जोड़ दें, हम मान लेंगे कि वो चमत्कार करते हैं, वरना सब छलावा है। तो शंकराचार्य की बातों से भी इत्तेफाक नहीं रखते आप? देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जी बहुत आदरणीय हैं और इस गद्दी के जो पूज्य संत स्वामी जी थे, जो अब शरीर उनका रहा नहीं और वह भी बड़े सिद्ध संत थे, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने वो एक भावेश में मजाक में कोई बात कह दी है, उसको लेकर के मीडिया इतना हाईलाइट कर रहा है, सीरियस जवाब कैसे करवा दीजिए, बाबा जवाब जोशी मठ की जो दरारें उन्हें भरवा दीजिए, परम आदरणीय राम भद्राचार्य जी ने उसका जवाब दे दिया, चीन को हटवा दीजिए, राम भद्राचार्य जी ने उसका जवाब दे दिया कि आप वहाँ के शंकराचार्य हैं, चमत्कारी बाबा, आप पहले वहाँ की समस्या का निदान करिए, पाखंडी अंधविश्वास के लोग, अभी मुक्तेश्वरानंद जी से वहाँ की कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो सारा संत समाज अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में। विवेक जी, बता दूं विवेक जी, आज ये भी आरोप, विवेक जी
भी आरोप लगता है के पास में जा जब, रहे जब कोई हिंदू जाकर के सनातन की बात करता है तो तुरंत कह दिया जाता है इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं आपको बता दूं आज धीरेन्द्र जी विवेक जी से सवाल है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास में जा रहे हैं आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी से बात करने जी से सवाल विवेक जी से पूछा गया है। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है ऐसा कोई नहीं कहता है कि संतों का भाई कई अच्छे अच्छे गॉडमैन हुए हैं संत हुए हैं जिनका योगदान है स्वामी अग्निवेश उसमें अग्रसर थे सबसे ज्यादा। अगर आप जो है चाइल्ड लेबर की बात करें जिसके बाद हमारे देश के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला तो कहीं ना कहीं सारे सूत्र स्वामी अग्निवेश से मिलते थे और भगवादारी थे तो उनको लेफ्ट की हर रैली में हम बुलाते थे और कहते थे जो सच्चा संत होगा उसके भगवे में लाल का रंग जरूर होगा और वो गरीब की बात जरूर करेगा मजलूम की बात जरूर करेगा सोशल जस्टिस की बात करेगा। प्रमोद कृष्णन है उनके बारे में तारीफ करूंगा तो ये लोग बोलेंगे साहब वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से माननीय शंकराचार्य जी ने भी अच्छे शब्द यूज करे हैं। दूसरी बात नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था क्या हासिल हुआ साहब और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है क्या हासिल हुआ क्या दुर्गति ठीक है और सेक्युलर होने के बावजूद भारत ने ठीक है। विवेक जी आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी हमारे पास समय कम था आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान तो दे दिया है कि तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा क्या अब इस बयान पर वो यू टर्न लेंगे या फिर अपने इस बयान पर कायम रहेंगे क्योंकि इस बयान का अब लगातार विरोध भी हो रहा है।